कम समय में पब्लिसिटी की चाहत रीता यादव को ले डूबी। वो एक मध्यम वर्गीय परिवार से आती हैं। पिता बरसाती यादव आढ़त पर मुनीमी करते थे। 7 साल पहले उन्होंने अपनी बेटी के हाथ पीले किए थे। करीब 5 साल पहले रीता ने समाजवादी पार्टी से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। हाल में संपन्न हुए जिला पंचायत चुनाव में उसने DDC का चुनाव लड़ा, जहां उसे पराजय हाथ लगी। सुर्खियां तो उसे उस समय मिली जब 16 नवंबर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ मौजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उसने काला झंडा दिखाया और मुर्दाबाद के नारे लगाए। बताते चलें कि रीता यादव लम्भुआ कोतवाली क्षेत्र के रघुनाथपुर की रहने वाली हैं। करीब 6-7 साल पहले उसकी शादी चांदा कोतवाली क्षेत्र के लालू का पुरवा सोनाना गांव निवासी संतोष यादव के साथ हुई थी। उसके 2 बच्चे हैं। लगभग 5 साल पहले उसने सपा से राजनीति की शुरुआत की। हाल ही में पार्टी छोड़ने से पहले उसे महिला मोर्चा में जिला उपाध्यक्ष का पद मिला था। वहीं रीता ने जिला पंचायत चुनाव में वार्ड 43 से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा। पार्टी ने समर्थन नहीं दिया। सपा ने लाल बहादुर यादव को समर्थन दिया और उसने जीत दर्ज की। इसी क्रम में 16 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करने सुल्तानपुर के कूड़े भार स्थित अलवर कीरी में एयर स्ट्रिप पर पहुंचे थे। लोकार्पण के बाद जब PM जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उसी समय लंबे चौड़े सुरक्षा घेरे को भेद कर रीता मंच से थोड़ा दूर पर पहुंची थी और विरोध में उसने काले झंडे दिखाए थे। यहां से पुलिस ने उसको दबोचा और लिखा पढ़ी कर उसे 17 नवंबर को जेल भेज दिया था। अगले दिन कोर्ट ने उसे जमानत दे दी थी। रीता के विरुद्ध पूर्व में कोतवाली देहात थाने में 1, चांदा थाने में 1 और गोसाईगंज थाने में 1 केस दर्ज है। जानकारी के मुताबिक रीता यादव ने PM का विरोध ही इसलिए किया था कि वो हाईलाइट होकर लम्भुआ सीट से आसानी से विधानसभा का टिकट हासिल कर लेगी। लेकिन उसके इस कदम पर स्वयं दूसरे दिन सुल्तानपुर पहुंचे पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कोई रिस्पांस नहीं दिया तो उसके मंसूबे पर पानी फिर गया। महीने भर तक काफी हाथ पैर उसने मारा, लेकिन पार्टी के मठाधीशों ने उसकी आवाज को गूंगा कर दिया तो वो पैतरा खेल कर कांग्रेस जिलाध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा के संपर्क में आई। वो इसलिए कि प्रियंका गांधी ने 40% महिलाओं को टिकट देने और लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दे दिया था। उसे कांग्रेस में राह आसान दिखी तो झट वो जिलाध्यक्ष के साथ 17 दिसंबर को लखनऊ जा पहुंची और प्रियंका गांधी के समक्ष कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। इसके बाद ठीक दूसरे दिन अमेठी में राहुल प्रियंका का कार्यक्रम लगा था, जिसमें वो पहुंची और उसे काफी मान मिला, जिससे उसके हौसले को 4 चांद लग गया। वहीं कांग्रेस ने प्रियंका के क्राइटेरिया पर कादीपुर सुरक्षित सीट से महिला प्रत्याशी फाइनल कर लम्भुआ सीट से महिला प्रत्याशी उतारने का फैसला किया। लेकिन जब इस सीट से एक मजबूत प्रत्याशी ने दावेदारी की तो इसकी भनक रीता को लग गई। इसके बाद उसने एक स्क्रिप्ट लिखी। 3 जनवरी को रीता यादव सुल्तानपुर शहर आई। यहाँ बैनर पोस्टर लेकर वो बोलेरो गाड़ी से वापस लौट रही थी कि लम्भुआ कोतवाली क्षेत्र में ओवरब्रिज के पास उसने ड्राइवर मुस्तकीम और धर्मेंद्र यादव से खुद पर गोली चलवा ली। घटनास्थल पर CSC की दूरी मात्र 1 किलोमीटर थी। ऐसे में गोली लगने के बाद तत्काल इलाज लेना भी आसान था। झट वो CSC पहुंची और फिर वहां से इलाज के लिए जिला अस्पताल लाई गई। रीता ने तहरीर दी और उसकी गाड़ी को ओवरटेक कर 3 बदमाशों ने उसे गोली मार दी। गोली उसके बाएं पैर में लगी थी, लेकिन CO लम्भुआ सतीश चंद्र शुक्ला ने उसके मंसूबों को फेल कर दिया। उसका न सिर्फ राजनीतिक करियर खत्म हो गया, बल्कि वो अब जेल की सलाखों के पीछे है। सुल्तानपुर से नाव 44 के लिए अजहर अब्बास के साथ सरफराज अहमद की रिपोर्ट। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज